नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल ओडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखिए मैनपुरी से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोले, मैनपुरी तो नेताजी की कर्मभूमि है, यहां पर हमेशा नेताजी संघर्ष में रहे। वहीं उन्होंने कहा, मैनपुरी की जनता नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए इस बार फिर से समाजवादी को ही जिताने का काम करेगी। वहीं सांसद धर्मेंद्र यादव जब मंच से डिंपल यादव के लिए वोटों की अपील कर रहे थे, तभी नेताजी का नाम आते ही उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, जो लोग अपने आप को समाजवादी कहलाते हैं वही नेताजी को श्रद्धांजलि देते हैं और उसके बाद उन्हीं के ही परिवार के खिलाफ चुनाव में उतरते हैं, तो ऐसे धोखेबाजों से मैनपुरी की जनता सावधान रहे। डिंपल यादव ने भी मैनपुरी की जनता से वोटों की अपील की। नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, उन्होंने भी जनता के बीच नेताजी के कई कामों को सामने रखा और कहा कि नेताजी जैसी शख्सियत पूरे देश में कोई नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि नेताजी एक नेता ही नहीं, एक विचारधारा है जो हमेशा से लोगों के लिए काम करते हैं। और क्या कुछ कहा, आगे की रिपोर्ट आमिर अली के साथ। पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह जी, सतीश यादव जी, नरेश उत्तम जी, मंच पर मौजूद जितने भी हमारे नेतागण, हमारे सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, आप सभी को और हमारे मीडिया कर्मी, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। यह चुनाव जो होने जा रहा है, यह मेरा चुनाव नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का चुनाव है। हर एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का जो उपस्थित है, ये उनका चुनाव है और ये नेताजी का चुनाव है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में हम लोग ऐसी जीत हासिल करेंगे जैसा अवधेश प्रसाद जी ने कहा अभी कि इसका डंका पूरे हिंदुस्तान में बजेगा। मैनपुरी नेताजी की कर्मभूमि रही है। नेताजी कर्मयोगी, नेताजी ऐसे कर्मयोगी थे जो सदैव हम सभी के हृदय में हमेशा रहेंगे। नेताजी का मैनपुरी से एक भावात्मक रिश्ता रहा है और मैं आज आपको भरोसा दिलाती हूँ, ये रिश्ता आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगी और साथ में आपके अखिलेश भैया भी करेंगे। नेताजी ने हमेशा विचारों की लड़ाई लड़ी है, सिद्धांतों पे चले हैं और अब उन्हीं सिद्धांतों पे विचारों में हम सभी इस मैनपुरी और इस पूरे प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जितने लोग यहाँ आए हैं, आप एक एक वोट डलवाएंगे समाजवादी पार्टी के लिए और इस जीत को एक ऐसा आप इतिहास रचना रचाएंगे जिसका डंका पूरे हिंदुस्तान में होगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मैं देख रहा हूँ भाई जब हमारे जयशंकर पांडे जी हैं, पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद जी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आर्य राम गोपाल यादव जी, यहाँ से रहे सांसद धर्मेंद्र जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, बड़ी संख्या में सभी समाजवादी नेता संचालन कर रहे यहाँ थे, हाशमी साहब समाजवादी पार्टी के पूर्व में रहे एमएलसी राजपाल कश्यप जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, पूर्व मंत्री हरि मानपाल जी, अनुवेश पाल जी, पूर्व चेयरमैन साधना गुप्ता जी और बड़ी संख्या में समाजवादी साथी पीछे खड़े हो जो मंच पर है और मेरे सामने बैठे हुए और के सभी कौन है, बार बार कॉल करके रह गया। सभी आने बुजुर्ग, बूथ को संभालने वाले हमारे बूथ अध्यक्ष,
जिम्मेदार सभी कार्यकर्ता साथी पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। मैं कोई लोकसभा का चुनाव बहुत अलग परिस्थितियों में होने जा रहा है और ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें हम लोग नेताजी को नहीं देख पा रहे हैं, वरना कोई चुनाव रहा होगा नेताजी वोट मांगने भी आए और नेताजी को नेताजी बनाने का काम भी महत्वपूर्ण गुंडा नहीं किया। इसलिए पहला चुनाव और पहला ऐसा समय जब आप वोट डालें जब नेताजी नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि सभी लोग मिलकर के इस बार जब वोट डालें तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर डालने का काम करना है। ये वही साइकिल है जो नेताजी ने अपनी पार्टी को देने का काम किया है। देश में कम नेता होंगे जिन्होंने काम देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और जिसका छूटेगा तकलीफ होगी। इसलिए मेरे मंच पर बैठे समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण जो प्रदेश के कोने कोने से भी पधारे हैं और मैनपुरी के विधानसभा से जुड़े हमारे ज्यादातर सभी सम्मानित नेतागण, मैनपुरी विधानसभा के सभी मेरे सेक्टर प्रभारीगण, बूथ प्रभारीगण, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों और पत्रकार मित्रों, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी नेताजी नेताजी के बाद के इस चुनाव को चुनौती देने की कोशिश की है, अपने बोर्ड के माध्यम से इतना भरपूर जवाब दे देना, मुंह तोड़ जवाब दे देना कि कभी भी ये लोग नेताजी के नाम का ढोंग न कर पाए, ये मेरी आप सबसे अपील है। जो लोग दो दिन पहले श्रद्धांजलि दे रहे थे सभी में, वो आदमी डिंपल यादव जी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं घूम रहे और मेरे मैनपुरी के क्रांतिकारी लोगों, आप बर्दाश्त कर लोगे इन बातों को? बताओ मेरे मैनपुरी के लोगों, बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल नहीं। क्या नहीं किया नेताजी ने ऐसे लोगों के लिए जिनकी छोटी पहचान थी, उस पहचान से दिल्ली की संसद होते हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक पहुंचा दिया। वो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तब मैं मैनपुरी के लोगों इस मन से कहना चाहता हूं, एहसास है मुझे इस मैनपुरी की एक एक चीज का। शायद कोई मैनपुरी का ऐसा गांव होगा जिस गांव में नेताजी के कुएं में काम ना हो, शायद इस मैनपुरी में कोई परिवार होगा जिस परिवार की समय